गांधी परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है और इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी भी पलटवार कर रखी है। लेकिन सवाल ये कि क्या सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, और आखिर ये केस है क्या जिसकी वजह से अक्सर गांधी परिवार विवादों में रहता है और उनकी परेशानी बढ़ती नजर आती है, देखिए इस रिपोर्ट में। जेल जाएगा गांधी परिवार। ईडी के शिकंजे ने उड़ाए सबके होश। मोदी का सोनिया गांधी से बदला। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और उसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला कर रखी है, वहीं बीजेपी पलटवार कर रखी है। इसके बाद से ही चर्चा और तेज हो रही है कि सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। हम आपको गिरफ्तारी के बारे में बताएं, उससे पहले आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी को किस मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का समन। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को ईजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसे नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी। एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया है। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा और अक्सर फर्नांडिस के पास थी। और इसी केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार गांधी परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। ऐसा नहीं कि नेशनल हेराल्ड केस में पहली बार गांधी परिवार से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए स्वामी से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों को, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं, इन आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की छूट दे दी थी। हालांकि कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी अब पलटवार कर रखी है। क्या ये सही नहीं है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी पे एक फौजदारी का मुकदमा, क्रिमिनल केस सेक्शन 420 धोखाधड़ी और बेईमानी करने के लिए चल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में है। अब राहुल गांधी विदेश में है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए। लेकिन सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जाएंगी और इस दौरान ईडी को क्या मिलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।